डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर साइंस का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी भेज करके उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे को मोटिवेट और क्या है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे रखेंगे, क्योंकि ये मामला ये आपकी 10th क्लास है मामला नहीं है। आपको इसमें बहुत सारी और भी वीडियो मिल सकती हैं, जैसे कंपटीशन की है, ठीक है, तो आपको ये आगे भी काम आएंगे। तो आप इनको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मोटिवेट होकर के यहाँ पर क्या है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। तो अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे थे एंड रिडक्शन इसकी बात कर रहे थे। इसमें डेफिनेशन तो आपने कल देख ली थी। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाना, ठीक है, या हाइड्रोजन बाहर निकल जाना, या अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है तो उसके अदर मतलब क्या है अदर नेगेटिव जो एलिमेंट है वो ऐड होना, या अदर पॉजिटिव एलिमेंट आउट होना, ठीक है ना, आउट होना, ये इन होना और ये आउट होना, ठीक है, ये तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट। तो आपको एक डेफिनेशन जो है ना वो ढंग से याद रखनी है, ताकि दूसरी वाली डेफिनेशन तो उसके अपोजिट चली जाएगी, ठीक है। हाँ, अपने एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक और डेफिनेशन है, वो है इलेक्ट्रॉन बेस्ड डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी सब्सटेंस का अगर फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये NaCl है, अब इसका निर्माण इसका फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसमें कौन क्या कर रहा है, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी कि सब्सटेंस बनने में कोई भी एलिमेंट दूसरे मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि लेन देन करते हैं। तो एक सबसे बड़ा इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के ही इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने के कारण ही एक बॉन्डिंग बनती है और मतलब सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें अंदर। तो अपन इलेक्ट्रॉन बेस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन बेस वाली वो भी सबसे सिंपल डेफिनेशन है, उसमें तो वो तो लॉन्ग डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन बेस वाली और भी शॉर्ट डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है और इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है वह एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो इसको कहते हैं रिडक्शन। सिंपल सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसमें दोबारा से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का लेना यह कहलाएगा रिडक्शन, ये रिडक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन का देना ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ऐसी की ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है एक एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन एक वो आपको सुना भी दूं, the losses number of electrons in element are called oxidation, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, इलेक्ट्रॉन कम मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले ज़्यादा थे। अभी सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सोडियम है, ठीक है ना। अब सोडियम के पास में इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो होते हैं 11, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है 2, 8 और 1, ये है 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन आ गई तो यहाँ पर 2 और 8 ही रह गए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। इलेक्ट्रॉनों की कमी होना क्या कहलाएगा,
ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉनों की मतलब कि इंक्रीजिंग होना उनके नंबर्स में, तो वो कहलाएगा रिडक्शन। इसका एग्जांपल जैसे ये ऑक्सीजन है ना, अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लिए, और दो पहले इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 2 और 6, ठीक है, और अब ये हो गया -2, ठीक है। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स हो गए 2, 8, ठीक है ना। तो ये तो आपने क्लास में भी वैसे देखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन बाद में और भी जो आएंगे वहाँ पर अपन देखेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों में मतलब कि इंक्रीजिंग होना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से उनके नंबर्स का घटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और बढ़ना रिडक्शन, ठीक है ना। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जो आपके पास में वो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना वाली वो जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इतनी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, 100% परफेक्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन बेस वाली है, ठीक है ना। ईजी भी है, शॉर्ट भी है, और इसको ज्यादा मतलब इसमें आपको क्या है कि विचार भी नहीं करना है, आपको तो केवल इलेक्ट्रॉन के बेस पर चलना है कि इलेक्ट्रॉन इसका कम हो रहा है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, कहां पर नहीं जुड़ रही है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, सब उसमें सब निकल करके आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, और इन दोनों से मिलकर के बनता है ये NaCl, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, पहले ये 2, 8, 1, ठीक है ना, और ये 2, 8, 7, ठीक है ना। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करके इस तरीके से ये मतलब कि NaCl बना लेंगे। तो ये इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर मतलब कि इनकी सिचुएशन क्या हो गई, Na+Cl- हो गई, और फिर बाद में ये चल करके Na+ ये बॉन्ड से जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स हो जाएंगे, सोडियम के पास में 2, 8, और इसके पास हो जाएंगे 2, 8, 8, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है, क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन नंबर्स बढ़े हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ने का मतलब इसका तो हुआ है इस NaCl में रिडक्शन, किसमें, NaCl में क्या हुआ है, रिडक्शन। इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ रिएक्शन को, ताकि यहाँ पर ये एक चीज़ बीच में जरूर आ गई है, इसलिए ये इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ NaCl। तो इस क्लोरीन का तो हुआ है NaCl में रिडक्शन, ठीक है, और इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन की कमी आई है इधर की तरफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेस पर चलिए। दूसरी बात, अब यहां पर भी एजेंट अगर आप देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो जिम्मेदार है इसका रिडक्शन कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन लेने वाला ये है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिम्मेदार ये है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इलेक्ट्रॉन बेस वाली भी समझ में आ गई है, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, उनसे भी ज़्यादा सिंपल है ये, जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने हटने के बेस पर है, वो उससे भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हाँ, अब एक और इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन बेस पर है, ठीक है ना, एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में भी है, इम्पोर्टेड है, आ सकता है एग्जाम्पल में, इसमें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको अपनी जो बुक है NCERT वाली, उसके क्वेश्चनों को सोल्व करना है, उसकी हर चीज़ को देखना है आपको, ठीक है। मैं तो नोट्स लिखवाता हूँ, नोट्स लिखाता हूँ, तो नोट्स तो आपके समझने के लिए हैं, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, फिर आपको उस बुक को भी देखना है, बुक में सब सारी चीज़ों को नहीं देखना है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना है, उसके एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखना है उनको भी, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेड होते हैं। यहाँ पर ये एक रिएक्शन है जो आपके इसकी बुक की है, MnO2+4HCl, ये MnCl2 और +2H2O+Cl2,
ये रिएक्शन है। अब इसमें आपको ये पहचानना है कि किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब देखते हैं अपन। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बेस के ऊपर ही सोल होगी। आप इसको ऑक्सीजन के जुड़ने हटने के बेस पर अगर देखेंगे ना तो होगी नहीं ये। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 100% जो है ना, परफेक्ट रिएक्शन, परफेक्ट डेफिनेशन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन बेस वाली, न कि ऑक्सीजन और क्या है कि वो हाइड्रोजन वाली, वो वाली नहीं है, ठीक है ना। उनसे 80% रिएक्शन ही आप सोल्व कर सकते हैं, 60% ही, बाकी 100% तो इसी से सोल्व होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बेस से। तो ये है इंपॉर्टेंट, इससे वो भी हो जाएगी और दूसरी भी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बेस से। अब यहाँ पर देखिए Mn है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना है आपको, इनको इलेक्ट्रॉनों की स्टडी करनी है आपको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी कितनी वैलेंसी है, ये देखना है आपको। तो इसकी वैलेंसी देखने के लिए अब आपको ध्यान नहीं है कि मैग्नीशियम की वैलेंस मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, पता नहीं है तो वो जो ऑक्सीजन है इसको देखिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन से पता लग जाएगा, ऑक्सीजन बता देगा कि इसकी इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं -2 होती है, ठीक है ना, वैलेंसी। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो -2, यानी कि टोटल कितनी हो गई, -4, ठीक है ना। इसकी यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, टोटल ऑल ओवर मिला करके -4 रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंसी, ठीक है ना। तो उसके कंपेयर में ये Mn यहाँ पर क्या प्रेजेंट करेगा, Mn +4 रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मतलब कि जो सिंपल इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स में उसके बेस पर सोल्व कर सकते हैं कि मतलब कि जो भी एलिमेंट है वो वाली x + y = 0 वाली, इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है उसको रख लीजिए, जिससे करना है। मान लीजिए यहाँ पर ये Mn की मेरे को फाइंड आउट करनी है, प्लस ये यहाँ पर क्या है कि टोटल इसने मतलब कि -4 यूज कर रहा है ये, ठीक है ना, और ओके ये -4, ये -4, ये -4। अब ये अपने आप उधर की तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा ना, तो मैग्नीशियम की कितनी है, +4। उस रिएक्शन से आराम से सिंपल इक्वेशन से जो आपके थर्ड चैप्टर में होगी शायद, है ना, वो मैथमेटिक्स में, उससे सोल्व हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के निकाल सकते हैं आप, ओके, यानी कि यहाँ पर +4 है। अब आप इधर की तरफ चलिए, ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम का देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम की देखिए, मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दो क्लोरीन जुड़े हुए और एक क्लोरीन -1, दो क्लोरीन -1, ये एक और भी, तो यानी कि टोटल ऑल ओवर मिला करके -2, ठीक है ना, -2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर Mn की जो वैलेंसी है वो +2 है। इधर की तरफ +4 रिप्रेजेंट कर रहा था ये, जबकि इधर की तरफ जैसे ही रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट में MnCl2 बना, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है +2 यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब ये ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये है कि जब इसने +4 रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, ठीक है ना, +4 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं, जबकि यहाँ पर Mn केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था जबकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये है मैग्नीशियम जो मैग्नीज है इसकी क्या है कि जो नंबर्स हैं वो क्या है कि इसके लगभग क्या है कि 25 होते हैं, ठीक है ना, ओके, तो 25 एटॉमिक नंबर होते हैं इसके। अब इसका मतलब ये 25 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, इसका मतलब इस सिचुएशन पर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 21, जबकि इस सिचुएशन पर इसके पास में कितने हैं, 23 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 23 इसके पास में बचे हुए हैं। Mn +2 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर Mn +4 की बात कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इसके पास में 21 बचे हुए हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे जबकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए इसका मतलब यह है कि जैसे ही Mn4 इधर से इधर की तरफ गया है तो इसने मतलब कि अपने दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन वापस लिए हैं, ठीक है, इधर की कंपेयर में, ठीक है ना, इधर की ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना यहाँ पर, देखो 23 इलेक्ट्रॉनों के फल यहाँ पर क्या है कि इसके पास में 21 ही थे,
अब यानी कि इधर से इधर की तरफ गया तो इसने दो इलेक्ट्रॉन वापस लिए हैं, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन वापस लिए हैं, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना, यानी कि MnO2 का रिडक्शन हुआ है MnCl2 में। ओके क्लियर, ये बात निकल कर के आ गई। अब इसका तो हो गया, इसका तो हो गया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी, है ना। अब ये देखो, यहां से इसमें से HCl में से मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन के साथ में H2O यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मगर यहां पर क्या है कि जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ में जो जुड़ी हुई थी वह क्लोरीन माइनस वन वाली थी। कितनी वाली थी? माइनस वन वाली। तो यानी कि यहां पर एक क्लोरीन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, मगर अब क्या हुआ है, एक एलिमेंट के साथ में दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यानी कि इन हाइड्रोजनों ने, है ना, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जबकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। ऑल ओवर हाइड्रोजन की बात करें तो अपन, ठीक है, तो उस कंडीशन पर अपन ये देखेंगे कि मतलब कि इस कंडीशन पर ये क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। ओके, और इस क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। क्यों हो रहा है क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्यों कहेंगे अपन, क्योंकि इस HCl में से हाइड्रोजन तो बाहर निकाला ना और क्लोरीन बचा है, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि HCl का ऑक्सीडेशन इस H2O में भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस HOH यानी कि H2O, ठीक है, ये है। अब किसका क्या हो रहा है देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन बेस पर देखो, इलेक्ट्रॉन बेस का मैंने बताया दिया आपको, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। और इस दूसरे भी देखो, दूसरे भी देख लीजिए, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। इस नाइट्रिक एसिड का देखिए, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कहाँ पर जा रहा है, इधर की तरफ, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो यानी कि इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें रिडक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको समझना, ठीक है ना। अब आपके एक टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट सिक्स वाली इक्वेशंस, है ना, एक्सोथर्मल एंड एंडोथर्मल, एक्सोथर्मल और एंडोथर्मल, ध्यान दीजिए इनकी डेफिनेशंस को आपको ध्यान देना है, है ना, कि कोई भी जो इक्वेशन है, एक्सो का मतलब, पहले तो इनके नंबर्स को, इसके मतलब की मीनिंग्स को देख लीजिए। एक्सो का मतलब एग्जिट, ठीक है ना, एग्जिट का मतलब होता है बाहर, ठीक है ना, और एंडो का मतलब होता है इसको मतलब कि अंडर होना, अंडर यानी कि मतलब कि इसका क्या है कि उस रूल्स के अंदर, मतलब क्या है कि उसके अंदर इन होना एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या है कि यानी कि अंडर से बनाइए और एग्जिट से ये, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए इसको, ठीक है। तो इसका मतलब कि यार, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है ना, थर्मल का मतलब हीट, यानी कि किसी भी कोई भी रिएक्शन है, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन, ठीक है, उस रिएक्शन को अगर कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट होती है और कंप्लीट होने के लिए अगर वह कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको अपन एक्सोथर्मल रिएक्शन कहेंगे, यानी कि हीट को बाहर निकालने वाली रिएक्शन, ठीक है ना, उसको एक्सोथर्मल कहेंगे, और हीट को बाहर निकालने वाली, ठीक है ना।
तो इसको कहेंगे अपन एक्सोथर्म। ये हीट जो है वह लाइट फॉर्म में भी हो सकती है ना, ये क्या है कि टेम्परेचर फॉर्म में भी हो सकती है, ओके, ये मतलब कि एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है, अदर एनर्जी के फॉर्म में भी, किसी में भी हो, मगर कि हीट होगी ये, ठीक है ना, एनर्जी एनर्जी का फॉर्म है ये। एंडोथर्मल वह रिएक्शन कोई भी जिसको कंप्लीट होने के लिए मतलब कि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और भी ज्यादा हीट चाहिए और भी, ठीक है ना, टेम्परेचर चाहिए, तो उसको कहेंगे अपन एंडोथर्मल रिएक्शन। ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में अपने को हीट देगी, जबकि ये क्या है कि मतलब कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्या चाहिए अपने को, मतलब कि एनर्जी चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन को अपन कहेंगे एंडोथर्मल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल देख लीजिए इनके, तो सिंपल सी बात है, एंडोथर्मल और एक्सोथर्मल में कोई भी दिक्कत नहीं है कि एनर्जी लेना, ठीक है, मतलब कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की अगर जरूरत पड़ रही है तो वह है एंडोथर्मल। और कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने पर अगर मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रही है तो उसको कहेंगे अपन एक्सोथर्मल, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान दीजिए, एग्जांपल पहले दे रहा हूँ मैं एक्सोथर्मल के एग्जांपल, जैसे क्या है कि मतलब CH4+2O2 ये है, ओके, ये अब CO2+H2O और प्लस एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी, ठीक है, ये है। अब देखिए हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मल है, मगर आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर ये पुट हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर भी तो हीट लगा रखी है ना, तो ये हीट देखिए अपन एग्जांपल फॉर्म में आप ये बात कीजिए कि अपन लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाने के लिए उसमें कुछ हीट देते हैं फिर वो जलने लग जाती है और फिर वो रेगुलरली मतलब कि जलती जाती है और अपने को हीट एनर्जी देती जाती है। तो यहाँ पर मतलब कि जो अमाउंट है उसके बेस पर देखना है आपको कि अपन ने यहाँ पर तो इसको जलाने के लिए एनर्जी यूज की और इधर की तरफ जो एनर्जी निकल रही है इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, ये वाली एनर्जी जो अपन ने उसको दी थी उसको स्टार्ट करने के लिए वो कम है, ठीक है ना, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब जिसकी अमाउंट ज़्यादा है ना, हाँ, तो उसको मतलब कि उसको अपन एंडोथर्मल ये एक्सोथर्मल रिएक्शन ही कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट इसका ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो ये एक्सोथर्मल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने एक और रिएक्शन देखी थी पहले ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है ना, और ये हीट रिलीज हुई थी वहां पर भी, मैंने कहा था कि वहां लिखो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके से एक्सोथर्मल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि जहां पर भी एनर्जी, अब एग्जाम में आप मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सोथर्मल और एंडोथर्मल का, या तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा और एग्जाम्पल लिखवाएगा, ठीक है ना, और अगर वो पहचान करने के लिए दे दे कि ये एक्सोथर्मल है क्या एंडोथर्मल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से हीट एनर्जी या क्या है कि मतलब पीछे की तरफ है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मल है, अगर हीट एनर्जी यहाँ पर यूज की जा रही है तो एंडोथर्मल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने जो क्वेश्चन बताया था फिर उसको कैसे किस तरीके से, क्योंकि उस टाइम पर आपको मतलब क्या है कि या तो वो अमाउंट देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया उसने क्या है कि यहाँ पर तो उसने क्या है कि मतलब एनर्जी जो भी दी है हीट एनर्जी वो क्या है कि मतलब उसने मान लीजिए कि 2 किलो जूल दे दी, ठीक है, और यानी कि यहाँ पर निकाल दी उसने 15 किलो जूल, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मल है, ठीक है ना, ओके। इस तरीके से अगर वो रिटर्न करके अगर आपको मतलब वो एनर्जी देता है ना, तो आप उसे पहचान लेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जो बर्निंग वाली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी एक्सोथर्मली मानी जाती है, क्योंकि उनमें बर्न होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टार्टिंग एनर्जी जो दी जाने वाली होती है उससे मोर देन होती है, ठीक है। इधर से जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब क्या है कि वो भी रिएक्शन एक तरीके से क्या है एक्सोथर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो अपन फूड
है उसका क्या है कि ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजेशन होता है फूड का। ये ग्लूकोज है मान लीजिए कि इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर जाएगा, और मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पिछले साल पढ़ाया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन उसी को कहते हैं। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीजन का लेना, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना नहीं है, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड न्यूट्रेंट्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है ना, एंड रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब क्या है कि जो फूड न्यूट्रेंट्स है ना, उनका क्या होना, एक तरीके से ऑक्सीडाइजेशन होना, और क्या है कि एनर्जी रिलीज होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन जो है इससे रिएक्ट करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी रिएक्शन, ठीक है ना, सेल में और सेल के भी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही वैसे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 6CO2 और प्लस 6H2O बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है जो ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक्सोथर्मल रिएक्शन। ओके, जब कभी अपन क्या है, ये भी एक्सोथर्मल हो गई। इसी तरीके से जो भी कोई फल फ्रूट वगैरह जो सड़ते हैं, ठीक है ना, उनका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं जो सड़ते हैं, जैसे आपने क्या है कि बहुत सारे क्या है कि कहीं पर ढेर देखे होंगे, जैसे गोबर की डेयरी देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर जब सड़ते हैं तो वहाँ से हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, गाँव के सारे स्टूडेंट जानते हैं, जो मतलब कि जहाँ पर इसको गोबर को स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हीट निकलती है। तो यानी कि एक तरीके से ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनका सड़ना भी, ठीक है, और सड़ने पर जो हीट निकलती है, हीट निकलने की वजह से उनको भी एक्सोथर्मल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। हाँ, अब अपन देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, एंडोथर्मल। एंडोथर्मल का मतलब एनर्जी ली जाएगी, एड होगी उसको इक्वेशन को कम्प्लीट होने के लिए, ठीक है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको एनर्जी अपन देंगे, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी, ये उसमें डिकम्पोजिशन में है ना, और ये CO2, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये सनलाइट थी, मैं बोले यहाँ पर सनलाइट लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरीके से भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया था, ठीक है ना, तो वो भी एक तरीके से उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता थी, ठीक है ना। तो यानी कि साइन अगर यहाँ पर होता है हीट का, तो वह एंडोथर्मल रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक एग्जांपल और भी देखा था, AgCl, ठीक है ना, ये क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंसी में ये क्या है कि इसमें सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया था, ठीक है ना, तो ये भी एंडोथर्मल रिएक्शन है। ओके, ये एग्जाम्पल आप पहले देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर केवल डेफिनेशन बतानी थी और आपको समझाना था कि इनको किस तरीके से पहचानेंगे अपन। तो हीट अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है, अगर रिलीज हो रही है, तो अपन उनको कहेंगे एक्सोथर्मल, और अगर हीट कंप्लीट होने के लिए ली जा रही है, ठीक है, रन होने के लिए, तो उसको कहेंगे अपन एंडोथर्मल, ठीक है ना। हाँ, अब एक और एग्जांपल है इंपोर्टेड, वो क्या है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी एक प्रकार से एंडोथर्मल रिएक्शन है, ठीक है, रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O है ना, और ये सनलाइट की प्रेजेंसी में क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है ना, उसकी लीप में, इसमें प्लांटों की लीप में क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ठीक है ना, और साथ में 6O2 निकलती है। यानी कि ये जो सनलाइट है इस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, स्टोर्ड हो गई इस तरीके से, ठीक है ना, इसके अंदर स्टोर्ड हो गई ये एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि इस इक्वेशन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट यानी कि हीट की जरूरत पड़ी है, ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन एंडोथर्मल रिएक्शन। जबकि रेस्पिरेशन जस्ट इसकी अपोजिट है, रेस्पिरेशन रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही थी, ठीक है ना, और 6CO2 और 6H2O बन रहे थे,
ठीक है ना, और एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड होती है इसमें, वही एनर्जी वापस क्या हो जाती है, उसमें रिमूव हो जाती है और वही एटीपी के फॉर्म में अपने माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शन है, यानी कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक्सोथर्मल है, ये एंडोथर्मल है। रेस्पायरेशन एक्सोथर्मल है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंडोथर्मल है। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्रकार से एंडोथर्मल रिएक्शन है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इसमें मतलब कि सनलाइट के फॉर्म सनलाइट ली जाती है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, नीड होती है, और उस एनर्जी को स्टोर्ड किया जाता है सिक्स इसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या है कि मतलब एंडोथर्मल रिएक्शन है, ठीक है, जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो ये एक प्रकार से एक इक्वेशन भी देनी पड़ेगी आपको, उसको दो तीन लाइनों में समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं दोनों से, ध्यान रख लेना। ओके, अब आपके अगला जो टॉपिक है वह है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के ऊपर आपके और भी कुछ क्वेरीज आई थी, ध्यान दीजिए। इसमें रेंसिडिटी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ऑयल्स और फैट की बात हुई है, ठीक है ना। ऑयल्स और फैट फूड, इन वालों की बात हुई है, कॉमन फूड की बात नहीं हुई है। कॉमन फूड तो अपने रोजाना खराब होता है, जो रोटियां हैं ना अपन सुबह जो बनाते हैं वो शाम तक सूख जाती है, ठीक है ना, और वो दूसरे दिन तक क्या है कि उनके ऊपर या तो फफूंद आ जाती है, मतलब जिनको अपन उसको फंगीज कहते हैं वो आ जाती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्या है कि मतलब उसके ऊपर जो है वो मतलब उग जाते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। तो वो तो अलग प्रोसेस है, यहाँ पर बात ये है कि मतलब कि इनका ऑक्सीडेशन होना, ठीक है ना, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन होकर के अनप्लीजेंट मतलब कि जो स्मेल है वो आना, और क्या है कि मतलब अनयूजफुल होना एक तरीके से, ठीक है ना, उनका टेस्ट भी खराब हो जाना, ये कहलाता है एक तरीके से रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सिंपल मतलब कि आपको इसको उससे कंपेयर नहीं करना है कि सिंपली मतलब क्या है कि फूड का खराब होना, वो नहीं है। सिंपली फूड तो रोज खराब हो रहा है, ठीक है ना, वो तो उसकी तो बात छोड़िए, वो वैसे क्या है कि मतलब फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो तो मतलब क्या है कि खराब हो ही रहा है, उसे खराब होना ही है, ठीक है ना। मगर कि ये ओनली बात की गई है, रेंसिडिटी ओनली बात की गई है फैट और ऑयल्स के लिए, ठीक है ना, जो क्या है कि मतलब कि धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि ये क्या है कि एक ही दिन में खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इसमें समय लगेगा, एक महीना भी लग सकता है, दो महीने भी लग सकते हैं, छह महीने भी लग सकते हैं, बारह महीने भी लग सकते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे ऑक्सीजन इनमें मतलब कि ऐड होती जाएगी और इनका स्लोली मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर के बाद में जा करके अपन देखेंगे तो अनप्लीजेंट मतलब क्या है स्मेल एंड टेस्ट वहां पर रिप्रेजेंट होगा, तो इसको कहेंगे अपन रेंसिडिटी, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से रेंसिडिटी जो है ना, ये रस्ट रस्ट से कंपेयर करो आप इसको, कि मतलब कि जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर धीरे धीरे जंग लगना, ठीक है ना, क्या होना, धीरे धीरे जंग लगना, तो उसी तरीके से इसका धीरे धीरे स्लो मतलब कि एक तरीके स्लो मोशन में क्या होना, मतलब खराब होना, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे अपन यहाँ पर रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो ये सारे वो अदर फूड से उनसे कंपेयर नहीं करना है आपको, यहाँ पर फैट और ऑयल्स की बात हुई है केवल। अब इनको इस मतलब क्या है कि ये क्लियर हो गई। इस रेंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंधिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। इस वर्ड को कोई याद रखने कोई जरूरत नहीं है, रेंसिडिटी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपकी बुक में दे रखा है तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है ना, विकृत गंधिता कहते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, अब इस रेंसिडिटी को रोकने के क्या उपाय हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो इसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे ऐड होती जा रही है ना, उस ऑक्सीजन को एक तरीके से रोकना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे आप, एयर टाइट कंटेनर्स में इनको भर दीजिए। एयर टाइट कंटेनर क्या होते हैं, एयर टाइट कंटेनर वो होते हैं जिसमें मतलब क्या है कि आप कोई भी डिब्बा है, ठीक है ना, तो पहले तो इस डिब्बे को आप क्या करो, हीट करो थोड़ा बहुत,
हीट करने से क्या होगी, इसके अंदर की जो गैसेस होगी ना वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर उस टाइम पे आप इसमें क्या कर दो, ऑयल्स और इसको फैट्स को भर दीजिए, ठीक है ना। इसमें अचार मुरब्बे भी आएंगे इसके, मतलब कि जिनमें फैट और ऑयल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो भी आएंगे, ठीक है ना। तो उनको अपन भर देंगे, और भरने पर इनको क्या है कि, मतलब क्या है कि सील कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी, गैसेज की क्वांटिटी बहुत कम थी, इस वजह से क्या है कि मतलब ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये ज़्यादा दिनों तक और भी मतलब लॉन्ग टाइम तक क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है ना। तो एयरटाइट कंटेनर्स में भरिए, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह पर मतलब कि अदर गैसेस जो क्या है कि मतलब एक तरीके से कम रिएक्ट दिखाती हैं, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हैं, नाइट्रोजन प्लांट भी यूज नहीं कर पाते हैं इसको, फ्री नाइट्रोजन को, ठीक है ना। उनको भी पहले क्या है कि राइजोबियम की हेल्प से सब्सटेंस बना करके फिर यूज करना पड़ता है। तो यानी कि ये थोड़ी कम रिएक्टिव गैस है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है ना। तो इस तरीके इस ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन को अपन क्या कर सकते हैं, फ्री नाइट्रोजन को उस के साथ में जो फूड है उनमें भर करके, उन थैलियों में भर करके, जैसे चिप्स की थैलियाँ हैं उनमें जो एयर भरी होती है ना, वो ये नाइट्रोजन होती है, जो जिस कारण से वो क्या है कि ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक ये है, तो इस तरीके से इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, एयरटाइट कंटेनरों को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इधर से जो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय द कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटरों में रख करके, और भी बहुत सारे क्या है कि मतलब ये दो तीन आपको ध्यान रखने को, यहाँ से कोई इतना हाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछना इतना ये नहीं है, फिर भी आप मतलब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान रखेंगे तो एक नंबर तक के लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ से क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड द राइट द टू प्रिवेंशन ऑफ फॉर द रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो आपको दो लिखने हैं, तो एक तो ये इम्पोर्टेड ये एयरटाइट कंटेनर का लिख देना, रेफ्रिजरेटरों में लिखें रखेंगे, और इधर से क्या है कि किसी भी अनरिएक्टिव गैसेस को उनके साथ में भर देंगे, ठीक है। थैंक यू।